हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप बताऊंगी लेटेस्ट ब्लॉग पैकिंग आइडिया कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, मैं ब्लाउज कट कर लिया है, ये बिना लाइनिंग बना रहा है, आप लाइनिंग बनाओ, सेम डाटा की लाइनिंग भी कट कर लीजिए। और देखिए, हमने डिजाइन के लिए अलग से कपड़ा लिया है। और देखिए, हमने रेडीमेड पाइपिंग ली है, देखिए इस तरह। देखिए ब्लॉक की जो लंबाई ली हमने वो 15 इंच ली, तैयार में 14 इंच आएगी। ये हम 34 साइज में आ रहे हैं, तो डबल फोल्ड में 8.5 इंच ले लिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन है इसमें। शोल्डर 6.5 इंच ली है, मुड्डी में 6.5 इंच ली है और इसमें हमें 1.5 इंच की गुलाई दी है। देखिए शोल्डर से 3 इंच में निशान लगा लेते हैं। इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 3.5 इंच लेंगे, इसमें 1 इंच की गुलाई लेंगे। देखिए यहां से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह, और जो इसकी चौड़ाई लेंगे वो हम 3 इंच लेंगे इस तरह। नीचे तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हम गुलाई देंगे। इस तरह में कट कर लिया है। अब सेम राफर के नेक पट्टी और कैनवास कट करेंगे इसकी। देखिए इस तरह मैंने कैनवास कट कर लिए दोनों, और कैनवास की चौड़ाई मैंने 1 इंच लिए और नेक पट्टी की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच लिए। देखिए मैंने जो कपड़ा लिया है इस तरह मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, और जो हमारा ब्लाउज है सेम ब्लाउज कट ऑफ रखेंगे। देखिए इस तरह नीचे से सेम जो मेरा ब्लाउज है इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह में ड्रॉ कर लिया है। देखिए इसकी चौड़ाई ली थी हमें 3 इंच ली थी, तो हम 3 इंच में निशान लगाएंगे इस तरह, और 3 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह, देखिए नीचे से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह में ड्रॉ कर लिया, यहां से हम इसमें 1 इंच का गैप देंगे इस तरह। देखिए इस तरह अब हम सेम ड्रॉप से कट करेंगे। देखिए पहले हम नेक कट करेंगे इसका। देखिए इस तरह हम नेक कट कर लिया, बीच में जो निशान लगा रहा है इस तरह से कट करेंगे। देखिए इस तरह मैंने कट कर लिया, अब सेम राफर की लाइनिंग भी कट करूंगी इसका। देखिए इस तरह मैं लाइनिंग कट कर लिया, देखिए देखिए इस तरह। देखिए इस तरह हम सीधा रखेंगे नीचे, और तो इस तरह हम इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे। देखिए इस तरह हम लाइनिंग रखेंगे इसके ऊपर, और हम नेक में हम सिलाई लगाएंगे साइड से, हम पूरे में सिलाई लगाते हुए दोनों साइड, और फिर हम पलटेंगे इसे। फिर जो हमने रेडीमेड पाइपिंग ली है पूरे में हम साइड से पाइपिंग लगाएंगे। जो मैंने नेक पट्टी रखी है इसके ऊपर कैनवास रखेंगे, और जो इसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था इस तरह फोल्ड कर देंगे पूरा राउंड में। देखिए इस तरह मैंने तैयार कर लिया, इसी तरह मैंने नीचे वाली भी तैयार कर ली। देखिए देखिए नीचे मैंने ब्लाउज सीधा रखा है, और जो मैंने नीचे की तैयार की थी पट्टी इस तरह पूरे में सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है, अब इस तरह हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देते हैं।
देखिए इस तरह मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी, अब नीचे फिनिशिंग देंगे। देखिए इस तरह मैंने नीचे फिनिशिंग दे दी है। देखिए नीचे मैंने इस तरह पट्टी सीधी रखी है और इसके ऊपर हमने लाइनिंग कट किया था, इस तरह रखेंगे हम। और देखिए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब नीचे भी सिलाई लगाएंगे इस तरह। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है और यहाँ से इस तरह पलटेंगे इसे। पट्टी निकाल ली, देख सकते हैं इस तरह थोड़ी। देखिए जब मैं गोल्डन कलर की पाइपिंग ली थी इस तरह इसके नीचे रखेंगे और पूरे में सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने पूरी पाइपिंग लगा दी, नीचे भी पाइपिंग लगा दी है। अब ब्लाउज में अटैच करेंगे हम इसे। देखिए इस तरह ऊपर से इस तरह रखेंगे, बटन से सेट कर लेंगे, फिर इस तरह नीचे पिन सेट करेंगे। देखिए इस तरह मैंने पूरे पिन से सेट कर लिए, अब हम ऊपर की नेक पट्टी लगाएंगे इसमें। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है, इस तरह हम अंदर फोल्ड कर देंगे इसे। देखिए इस तरह हमने सिलाई लगा दी है, अभी हमने गोल्डन कलर की लेस ली है, इस तरह हम पूरे में लेस लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने पूरे में लेस लगा दी है, देखिए नीचे भी हमने लेस लगा दी है, देख सकते हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। देखिए मैंने नीचे फिनिशिंग दे दी है और देखिए पूरे में पाइपिंग भी लगाई है और उसके ऊपर हमें लेस भी लगाई है, देख सकते हैं कितना सुंदर लगा हमारे ब्लाउज का। इस आसान तरीके से आप सुंदर सा ब्लाउज बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को